इससे पहले इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि मदीना से आते थे तो खाना काबा में जाने से पहले यहाँ के पानी से गुसल किया करते थे। बहुत कम लोगों को ज़ियारत के बारे में मालूम है। ये पत्थर के वो भी ठीक है जी लगे हुए हैं और ये वही मसाला मैं आपको लेके जाता हूँ। कुआं खुला हुआ है लेकिन मैं अंदर आ गया हूँ, लेकिन पता नहीं भाई अंदर आने देते हैं या नहीं आने देते, लेकिन मैं फिर भी अंदर आ गया हूँ। ये बिल्डिंग है, ये वो कुआं मुबारक, अंदर कबूतर है और ये ठीक है जी। यहाँ पर कबूतरों ने काफी गंद डाला हुआ, वो बिल्ली भी सामने बैठी हुई है। और ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, तारीखी बिल्डिंग, और इसके दरो दीवार, और ये वो कुआं काफ़ी खस्ता हालत अभी है, लेकिन ये इसको गवर्नमेंट अभी रेनोवेट कर रही है, इसको दोबारा गवर्नमेंट। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आते थे तो खाना काबा में जाने से पहले यहाँ के पानी से गुसल किया करते थे, और बाद में फिर नहर जो ज़ुबैदा खातून थी जिनकी नहर ज़ुबैदा की वीडियो भी है वो मैंने अपलोड की हुई है, वो देख सकते हैं आप, उसी ने ही इसकी तामीर करवाई थी। ये दरवाजे और खिड़की बाद में लगे हैं, बाद के दौर की है। ठीक है जी, ये कुएं की मैं ज़ियारत करवाता हूँ। ये अंदर से कुआं, ठीक है, वो पत्थर लगे आपको सारे नज़र आ रहे हैं। ये 1500 साल पुराना कुआं है और यहाँ ज़्यादा देर मैं रुक नहीं सकता। ये मेहराब देखें, उसी दौर के बने हुए आज स्टाइल मेहराब, और चलते हैं जी बाहर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर अंदर आना अलाउ नहीं है। तो मैं एक बार आपको 360 अंदाज में घूम के इसकी ज़ियारत करवा देता हूँ इस बिल्डिंग की, ठीक है जी। तो अभी मैं चलता हूँ बाहर। ये इसके ऊपर लिखी हुई है सारे हिस्ट्री ये बिल्डिंग। तो इसके ऊपर इससे पहले आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं बनी हुई, ठीक है जी, कोई वीडियो इससे पहले नहीं बनी। तो ये पहली वीडियो YouTube के ऊपर जो आप अंदर कुएं से ज़ियारत कर रहे हैं, इससे पहले इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनी YouTube के ऊपर, ठीक है जी। ये पहली वीडियो है जो अंदर से कुएं की ज़ियारत करवाई गई है आपको। तो मेरी आपसे बस एक ही दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि आपको और भी इस तरह की तारीखी वीडियो आपको मैं ला सकूँ। और ये अभी मैं दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ, ये टोटल मना है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जब मुझे थोड़ा सा गैप मिल गया था अंदर आने का तो मैं अंदर आ गया हूँ। ये इसकी दीवारें, और इसकी दीवारों में भी चीज़ देख सकते हैं, ये देखें ये पत्थर के वो भी ठीक है जी लगे हुए हैं, और ये वो भी मसाला बाद में इसके ऊपर सीमेंट लगा दिया गया ताकि इसकी देखभाल की जा सके। ये आप देख सकते हैं, ये सारा अब इसको रिस्टोर करना है गवर्नमेंट ने, और ये सारे ये बिल्कुल क्लॉक टावर के पिछली तरफ है। आप इसकी जब भी आएँ तो इसकी ज़्यारत लाजमी कीजिएगा, और बहुत कम लोगों को इस ज़्यारत के बारे में मालूम है। मैंने आपको जैसे बाहर से इसका दिखाया है बाहर वाला हिस्सा, और ये बीर तवा ये कुआँ बना हुआ है, ये आर्कियोलॉजी एरिया। अगर आप मेरे ये सामने आप देखें तो आपको ये हरम पाकिस्तान नज़र आ रहा है, और क्लॉक टावर ये जरवल का इलाका है जो ये बना हुआ है, यहाँ पर ज़्यारत है। और अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फेंसिंग लगा दी है, बंद कर दी जगह लगा के, और इसको दोबारा रेनोवेट किया जा रहा है ताकि आवाम के लिए खोला जा सके, क्योंकि ये जो हुकूमत है बहुत इसके ऊपर काम कर रही है।